नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। मलावर थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम जामी के ग्रामीण दीपक चौहान एवं प्रेम सैन दोनों 23 अप्रैल को बैरसिया तहसील के ग्राम गड़ा खुर्द गए थे। उक्त युवक उसी दिन वापस अपने गांव लौट आए, लेकिन उक्त गड़ा खुर्द की सीमा से सटे गड़ा कला में एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद उक्त गांव में आने जाने वालों की जांच की गई तो उसमें जामी गांव के उक्त दोनों युवकों का भी नाम सामने आया। इसको लेकर शुक्रवार से ही जामी गाँव पर प्रशासन की पैनी नज़र बनी हुई है। पुलिस ने शुक्रवार को सैन परिवार व ठाकुर परिवार सहित 100 लोगों की स्क्रीनिंग की और उन्हें होम क्वारंटाइन में रखा गया। इसके बाद आज रविवार को अधिकारियों के निर्देश के बाद CBMO HC अहिरवार मलावर स्वास्थ्य विभाग की टीम डॉक्टर सबा अंजुम पद्मा महावर श्यामगिरी सरपंच प्रतिनिधि OP यादव थाना प्रभारी मलावर के साथ दोबारा जामी पहुंचे, जहां स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों को लेकर BMO द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिए और उक्त दोनों युवकों को दीपक चौहान व प्रेम सेन को जामी हाई स्कूल में गांव से बाहर क्वारंटाइन किया गया। जांच करवाना कोई बुराई नहीं। वहीं तक नहीं, मैं कल मैं नहीं करी तो सुन लो तू वहां से आया। अरे आपसे मिल गया मेरे वहीं से, वो तो भले कोई हो तुम्हें मालूम है। अरे मैं वहाँ की नहीं आती, नहीं नहीं वो वहाँ की कह रहा है, वो मैं सुनाएंगे पुलिस बनकर वाली बात। तो मैंने कहा दूर से जो करना हो वहाँ जाओ, रिपोर्ट लिखाना हो वहाँ से। हो गई आपकी है, गर्म पानी पियो। सर आपका नाम, क्या जिम्मेदारी है आपके पास? मैं डॉक्टर SC अहिरवार CBMO ब्लॉक ब्यावरा सुठालिया। सर आज आप मलावर क्षेत्र के जामी गांव गए थे जी, थोड़ा सा विस्तार से इस बारे में जानकारी देंगे सर, क्या है मामला? जामी में हमको यानी मालूम पड़ा था कि दीपेंद्र सिंह चौहान तथा चंद्रभान सिंह चौहान और प्रेम नारायण सेन ये गड़ा खुर्द गए थे और वहाँ पर किसी पॉजिटिव केस से इनकी मुलाकात हुई थी। तो उसके संदर्भ में हमने कल अपनी टीम को वहाँ जामी भेजा था और उसकी सूचना मेरे को ही मिली थी। तो फिर आज मेरे को ऊपर से निर्देश मिला था जी कि आप स्वयं वहाँ जाकर देखें जी। तो आज मैं अपनी टीम के साथ डॉक्टर सबा अंजुम और ARM पद्मा महावर जी और सुपरवाइजर प्रेमगिर के साथ वहाँ दीपेंद्र सिंह चौहान और प्रेम नारायण सेन से मिला और उनको देखा और उनसे हिस्ट्री भी ली। तो उनका ये कहना था कि हम यानी डायरेक्ट तो उस पॉजिटिव केस से नहीं मिले, हाँ अपने रिश्तेदार के यहाँ वो जो गड़ा खुर्द गए थे और उसके बाद उनके रिश्तेदार उस पॉजिटिव केस से मिले। लेकिन अब गांव वाले जो भी कह रहे थे उसके अनुसार हमने उनको अलग से यानी घर से अलग क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन किया है। सर 23 तारीख का मामला बता रहे हैं कि 23 तारीख को ये लोग वापस गांव आए, वहाँ से जो कोरोना पॉजिटिव जो व्यक्ति था उसके संपर्क में या उस गांव जाकर, क्या ऐसा बता रहे हैं? नहीं नहीं ऐसा गड़ा खुर्द गए थे और जबकि केस शायद गड़ा कला का है। तो यूँ माने अपन जो मिला जुला सिस्टम है थोड़ा सा, क्या उसका ये कहना है कि मैं सिर्फ अपने संबंधित रिश्तेदार जिसके यहाँ गया था जी मैं उससे मिला हूँ और वो शायद जो उसका उनका रिश्तेदार है जी उसकी मुलाकात बाद में मेरे आने के बाद शायद उससे हुई, शायद बंदा है नहीं तो ऐसा कहना है। उसके बाद में एहतियात के तौर पे आप आपका जो हमला है क्या 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 कदम उठाए आपने और क्या कर रहे हैं आप? तौर पे हमने पूरे यानी ग्राम की यानी स्क्रीनिंग करवाई है जी और वहाँ सभी लोगों को सलाह दी है कि वो
हाथ धोने साफ सफाई से यानी रहें, एक डेढ़ मीटर की यानी दूरी रखें, हंसते छींकते समय यानी अपना मास्क लगाएं, ठीक है ना। और अगर कोई शिकायत होती है तो हमारे यानी जो भी वर्कर हैं वो डेली मतलब वहाँ पर जाएंगे और वहाँ की रिपोर्ट ला करके हमें सूचित करेंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम यानी उनकी जाँच कराएंगे। सर थोड़ा सा उसमें ये भी है कि एक स्वयं समाज से प्रेम नारायण करके एक जो व्यक्ति है जी, जिसकी अपन जांच कर रहे हैं या जिस पे लोग शक कर रहे हैं, उसने तीन गांवों में लगभग दाढ़ियां बनाई है, जामी, भीलखेड़ी और आपका गोकुलपुरा। गोकुलपुरा में तो उनके पारिवारिक लोग रहते हैं शायद, इसलिए अपन ये जो थोड़ा सा संदेह जता रहे हैं। प्रेम नारायण सेन का कहना है जी कि मैं जी उनके साथ जो बना है उनके साथ गया था जी, और मैं बिल्कुल अलग बैठा हूँ वहाँ पर, मेरा यानी किसी से संपर्क नहीं हुआ, और मैं सेपरेट गाड़ी से मोटरसाइकिल से गया था, तो अलग अलग यानी मोटरसाइकिल से आए हैं। अगर ऐसी स्थिति में कोई भी चीज़ ऐसी उड़ाई जाती है तो शायद यानी आप कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी अब लोग एहतियात देखिए एहतियात के तौर पे हमने यानी सभी लोगों की स्क्रीनिंग की है, लाइन लिस्टिंग की है, उनका पूरा जो भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है वो निकाला है। कितने लोगों की ये स्क्रीन की मैम? हमने 116 लोग वहाँ पे स्क्रीन किए हैं जामी में जी, 16 लोग हमने भीलखेड़ी में स्क्रीन करे हैं और 15 लोग हमने गोकुलपुरा में स्क्रीन करे हैं। 150 के करीबन आपने टोटल है जो ये स्क्रीन किए। इन लोगों का क्या हुआ है, इनकी कोई जांच से सैंपल लिए हैं आपने सर? नहीं नहीं अभी कोई सैंपल नहीं लिया, प्रोटोकॉल अनुसार मतलब अभी 7 से 14 दिन के बीच में हाई रिस्क के जो केस है मतलब इसको पॉजिटिव के संपर्क में अपन मान रहे हैं तो इसका लिया जाएगा जी, अगर ऐसी कोई वो होगी तो। लोगों का ऐसा सोचना है कि भाई मान लो 14 दिन इंतजार करेंगे तब तक ये लोग जो किसी के टच में आएंगे संपर्क में आएंगे तो फिर उसके लिए क्या? तो अलग क्वारंटाइन किया गया है। कहाँ किया सर? हाई स्कूल में जो क्वारंटाइन शासकीय क्वारंटाइन बनाया गया है जी, वहाँ पर रखा है। ठीक सर, धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए मलावर से शिव सिंह परमार की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।